Hi everyone, today we are not going to talk about gardening or agriculture. Today we are going to talk about maths. Maths, yes. You may be surprised at maths. Maths is not my core subject, but what I am going to tell in this short video is why children are not able to understand maths easily as compared to other subjects. Case may vary from student to student, but in general you too might have observed this. तो बच्चों को maths में difficulty क्या आती है, क्यों आती है अक्सर, जिसकी वजह से उनको basic जो होता है foundation level, early level के students जो होते हैं उनको वो हम देखते हैं. ये देखिए, for example, suppose जस्ट फॉर योर शेयरिंग, आप देख रहे हैं कि ये मैथ्स का एक लेसन है. कोई भी लेसन हो, कोई भी चैप्टर होगा किसी भी बुक में, दिस बुक इज जस्ट एन एग्जाम्पल और लेसन इज जस्ट एन एग्जाम्पल. तो और नॉट ओनली इन मैथ्स बट इट अप्लाइज टू अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मैथ्स इन पर्टिकुलर. तो क्या होता है कि जब भी वो लेसन होता है, आप देखेंगे कि कोई भी बुक का जो कंटेंट होता है वो इनिशियली जो है पहले वो कंटेंट को डिस्कस करते हैं, उसमें कुछ की पॉइंट्स जो होते हैं वो बताए जाते हैं, कोई नोट्स फैक्ट्स होते हैं वो डिस्कस होता है, और उसके बाद में देन एग्जांपल्स होते हैं, और एग्जांपल्स के बाद जो है फिर आप उसमें सम्स देखते हैं. तो नॉर्मली व्हाट स्टूडेंट्स डू कि वो जो कंटेंट है, स्टूडेंट जो है कंटेंट को पढ़ते ही नहीं है, जो उसमें कोई बॉक्स में नोट है उसको पढ़ते ही नहीं है. तो ये ज़्यादातर बच्चों के साथ ही ऑब्जर्वेशन है, आपने भी अगर ऑब्जर्व करेंगे तो मे बी आई एम राइट. तो ये ऐसे बच्चे कंटेंट को पढ़ते ही नहीं है, वो क्या करेंगे डायरेक्टली विदाउट गोइंग थ्रू द कंटेंट व्हाट द पब्लिशर और ऑथर इज ट्राइंग टू टेल, वो डायरेक्टली दे जंप टू या तो एग्जाम्पल्स पे डायरेक्ट चले जाएंगे या सिंपली दे वेट फॉर अ टीचर टू हेल्प देम इन सॉल्विंग द क्वेश्चन दैट इज गिवन. तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब बच्चा डायरेक्टली या तो टीचर से उसको सीधा सम को संबंधी कोशिश करने लग जाता है, या खुद से अगर जो स्टूडेंट है वो अगर खुद से डायरेक्टली जो सम्स दिए हुए हैं उनको वो सॉल्व करने की कोशिश शुरू कर देता है एग्जाम्पल्स को देखते हुए, तो उन केसेस में क्या होगा कि वो उनको देख के एग्जाम्पल्स तो सॉल्व कर भी लेगा और नहीं भी कर सकता है. तो जो प्रॉब्लम आती है उसकी वजह से क्या होता है कि वो आंसर मैच नहीं करता, उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग अधूरा रह जाता है. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले वो जो कंटेंट दे रखा है एग्जाम्पल से पहले किसी भी बुक में मैथ्स की, पहले उसको वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे, उसमें अगर कोई डाउट्स हो तो पहले उसको वो डाउट्स को क्लियर करे या जिनसे भी वो मेंटरशिप लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं, उनसे क्लियर करें, और उसके बाद फिर एग्जाम्पल को देख के वो आगे उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो उनको मैथ्स में डिफ़िकल्टी नहीं आएगी. तो ये एक जनरल पॉइंट था विच आई थॉट टू शेयर विद यू कि आमतौर पे हम ये सोचते रहते हैं कि बच्चों के आखिर मैथ्स में मार्क्स कम क्यों आते हैं, या बच्चों को मैथ्स डिफ़िकल्ट क्यों लगता है, या बच्चे उतनी जल्दी मैथ्स को क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हैं जितनी जल्दी वो कोई और सब्जेक्ट को कर लेते हैं. सो आई होप कि आप भी अपने बच्चों को या कोई आपके नियर डियर है जिनको आप देख सकते हैं, इन चीज़ों को आप बच्चों को समझाने की कोशिश करें तो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट उनके मार्क्स में जरूर आएगी. थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग योर वैल्यूएबल टाइम.